बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और झलक दिखला जा के रनर अप रहे शिव ठाकरे ने मनीषा रानी के साथ किया होली सेलिब्रेट। मनीषा और शिव के फैंस में दरार हुई कम, अब दोस्ती को लेकर शिव ने मनीषा की जमकर तारीफ। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। मनीषा रानी होली सेलिब्रेशन में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की पार्टी में पहुँच कर चार चांद लगा दी और मनीषा के आते ही यहाँ पर रौनक भी देखने को मिल रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं, मनीषा रानी झलक दिखला जा कि विनर बनने के बाद से ही बहुत सारे मनीषा के फैंस हैं जो शिव ठाकरे को ट्रोल किया करते थे, शिव के फैंस मनीषा को ट्रोल किया करते थे। इवन मनीषा सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी शिव ठाकरे की, शिव की एक बड़ी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन शिव की एक नहीं चली झलक दिखला जा। मैं आपको पता है कि इस समय बिग बॉस के कंटेस्टेंट एल्विश यादव हो, मनीषा रानी हो, इनका क्रेज नेक्स्ट लेवल पर है और शिव ठाकरे कुछ ना कुछ पंगे लेते हुए कॉन्ट्रोवर्सी करते हुए झलक दिखला जा के समय में भी नजर आए थे, ये कहकर कि पैसे के साथ आप ट्रॉफी भी जीत सकते हो। जो यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मनीषा के फैंस से, जिस तरीके से मनीषा के फैंस ने हर तरफ से चौतरफा ट्रोल किया था शिव को, हर तरफ से ट्रोलिंग झेलने को मिली थी, लेकिन अब होली के सेलिब्रेशन में मनीषा और शिव दो एक ही स्टेज पर पहुंचे और शिव ने मनीषा के साथ होली सेलिब्रेट किया और ये कहा कि मेरी कभी भी मनीषा से लड़ाई नहीं थी। मनीषा के फैंस को समझना चाहिए मनीषा इतनी क्यूट है, मैं मनीषा की बुराई कैसे कर सकता हूँ। शिव ठाकरे ने कहा कि मनीषा रानी बॉलीवुड की हीरोइन है और बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि मनीषा जो है वो झलक दिखला जा के विनर बनने के बाद अब टेलीविजन पर तो सब चीज़ जीत चुकी है, मनीषा को बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में भी ऑफर हो रही होगी। मनीषा ने अपने फैंस से ये बात कही है कि उनका अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो बॉलीवुड में फिल्म पाना है। फिलहाल के लिए शिव ठाकरे ने की है मनीषा की जमकर तारीफ और होली के सेलिब्रेशन में शिव और मनीषा जो एक फैन वॉर चल रही थी वो भी फाइनली खत्म हो गई है। फिलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आप भी देखना चाहते हो मनीषा को बॉलीवुड फिल्मों में, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।